Hey guys, I welcome you all to Bhadra IAS Academy. Today is 27th of May 2024 and Assam Tribune के current affairs analysis में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं Assam Tribune का सबसे important article। यहाँ पे बात कर रहे हैं बैम्बू सीड बग के बारे में। बैम्बू सीड बग, इसको हम लोग बोलते हैं उडोंगा मोंटाना के नाम से भी जानते हैं। नौ बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे आप देख लीजिए सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट, नौगांव, दरांग, शिवसागर, नलबारी, कामरूप, है ना, कामरूप मेट्रो, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इस बग ने कहर मचा के रखा है, जिसके कारण बैम्बू के जो स्पीशीज़ है उनको नेगेटिवली हमें नुकसान देखने को मिल रहा है। राइट, इनफैक्ट गुवाहाटी के आउटस्कर्ट्स, चंद्रपुर रीजन में भी ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस देखने को मिलेंगे जहाँ पे बैम्बू सीड बग के कारण जो है बहुत सारी नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। राइट, इस बग का अगर नेचर देख लोगे, यस, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा, ये है ये बग, राइट, जो कि डार्क कलर इंसेक्ट्स है और ये टारगेट करता है बैम्बू के सीड्स को, जिससे क्या सीड का डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो सकता। वैसे अगर देख लीजिएगा ह्यूमन या फिर एनिमल या फिर ऐसे अलग प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बट यस, ये जो है ना जहाँ पर ह्यूमन हैबिटेट रहता है उस रीजन को इन्वेड कर सकता है और वहाँ पे नॉर्मल लाइफ्स का डिसरप्शन कर सकता है। और कहीं ना कहीं अगर देख लीजिएगा इसके हिस्ट्री की अगर बात करें, लास्ट इसको रिपोर्ट किया गया था 40 years ago, जब मास बैम्बू फ्लावरिंग हो रहा था, तो तब ये हमको देखने को मिला था बग। राइट, बट अभी भी अब फिर से इसको देखने को मिला है। और इसकी ये है दैट इसकी प्रोडक्टिविटी रेट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। लाइफ साइकिल 30 से 35 दिन का होता है और जल्द बहुत ज़्यादा ही ये अपने यू नो ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करती है। राइट, कंट्रोल मेजर्स की अगर बात करें, देखो वैसे तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट जैसे बैम्बू फ्लावरिंग एंड होगा तब तक ये वाला जो बग है ये भी ख़त्म हो जाएगा, बट यस यू नो बायोपेस्टिसाइड्स जो है उसका यूटिलाइजेशन बहुत अभी रैशनलाइज किया जा रहा है, क्योंकि देखो बायोपेस्टिसाइड्स अगर आप इस्तेमाल करोगे ना तो ऑफकोर्स जो बग है ये ख़त्म तो हो ही सकता है। राइट, क्योंकि बायो दो आपके पास ऑप्शन है, एक तो बायोपेस्टिसाइड्स यूज़ करो या फिर कोई सम सॉर्ट ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ करो, तो ऑफकोर्स इट इज़ मोर यू नो रिफर्ड। राइट, और कहीं ना कहीं ये भी देखा गया दैट अर्ली डिटेक्शन किया जा रहा है ऑफ क्रूशियल, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है अगर इस बग को इफेक्टिवली हम लोग मैनेज करना चाहे तो। राइट, जो भी इन्फेस्टेड सीड्स है या फिर डेब्री है उनको रिमूव किया जा रहा है। राइट, और फर्दर जिससे इसका प्रिवेंट, मतलब इसका अगर जिससे और भी ना फैल जाए, इसलिए हमको कट करना पड़ेगा फ्लावरिंग बैम्बू। इंस्टॉलेशन ऑफ फिजिकल बैरियर्स जैसे नेट या फिर स्टिकी ट्रैप्स यूज़ किया जा रहा है जिससे इन बग्स को पकड़ा जा सके, जिससे ये बग्स जो है ज़्यादा नुकसान ना कर पाए। एंड लाइट ट्रैप्स या फिर फायर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ड्यूरिंग द इवनिंग, जिससे इन बग्स को अट्रैक्ट करके उनको किल किया जा सके। प्रिवेंटिव मेजर्स अगर देख लीजिएगा, यस, ओल्ड बैम्बूज जो है ओवर द 40 years उनको बेसिकली फोकस दिया जा रहा है, उनको कट किया जा रहा है। एंड नो इंक्रीज इन रैट प्रोडक्शन लीडिंग टू फेमाइन ड्यू टू इन्फेस्टेशन हैज सो फार, मतलब अभी तक एज सच यू नो ये हम लोग को देखने को नहीं मिला दैट इसके कारण रैट का प्रोडक्शन होता है, बट यस, कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव मेजर्स तो अपनाने पड़ेंगे। और कंक्लूजन में ये क्लियरली बोला गया दैट यस, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हमको चाहिए जिससे मिटिगेट किया जा सके इस सीड बग इन्फेस्टेशन को, और पब्लिक अवेयरनेस और प्रोएक्टिव मेजर्स भी बहुत ही क्रिटिकल है जिससे क्या इस चीज़ को कंटेन किया जा सके और प्रिवेंट किया जा सके। Assam Tribune का ये नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे बात की जा रही है गर्मी के बारे में, हॉट टॉपिक। जी हाँ, नॉर्थ इंडिया एक्सपीरियंस कर रहा है ब्लिस्टरिंग हीट, जहाँ पे हीट इंडेक्स क्रॉस कर चुका है 50 degrees centigrade कुछ कुछ रीजन में। हीट इंडेक्स बोल रहा हूँ, टेम्परेचर नहीं बोल रहा हूँ, टेम्परेचर अगर 50 हो गया तो फिर तो मर ही जाओगे। एनीवेज, नाउ इंट्रोडक्शन, मतलब इस आर्टिकल के बारे में अगर बोला गया, ओवरऑल यही बोला गया दैट यस, पूरा नेशनल, अगर पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अरुणाचल से लेकर गुजरात, एक ही चीज़ अभी बात चल रही है, मेजर हॉट टॉपिक जो है वो है गर्मी।
टेम्परेचर रिकॉर्ड्स दिन बर दिन शैटर होते जा रहे हैं। 2022 में आपने शायद आर्टिकल पढ़ा होगा दैट 2022 दुनिया का सबसे गर्मी वाला साल था। 2023 में फिर से आपने शायद आर्टिकल पढ़ा दैट 2023 के जो कुछ कुछ ऐसे मंथ्स हैं जो कि दुनिया के सबसे रिकॉर्ड हाईएस्ट टेम्परेचर हम लोगों ने देखने को मिला। फिर 2024 में भी अभी आर्टिकल्स आने लग गया दैट 2024 दुनिया का अभी तक का हॉटेस्ट जो मंथ्स या फिर ईयर है वो 2024 है। तो ये क्या है, मतलब देखो हर साल ही अगर हॉट होते जा रहा है इसका मतलब क्या, दैट टेम्परेचर चेंजेस तो हो रहे हैं और हम लोग को ही एक्शंस लेना पड़ेगा इससे, राइट। नॉर्थ इंडिया एक्सपीरियंस कर रहा है ब्लिस्टरिंग हीट, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हीट वेव्स भी देखने को मिल रहा है। और देखो ये उस समय हो रहा है जब लोकसभा इलेक्शंस हो रहे हैं, राइट। तो इसमें अर्बन इम्पैक्ट और रूरल इम्पैक्ट क्या हो रहा है, देखो अनडाउटेडली मीडिया क्या फोकस कर रही है, अर्बन हीट को, राइट। बट रूरल एरियाज भी एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट झेल रही है। हीट वेव जो है वो डिसरप्ट कर देता है उस रीजन के इकोसिस्टम को, जिसके कारण क्रॉप यील्ड भी नुकसान होता है, लाइवलीहुड भी नुकसान होता है, तो अलग अलग एंगल में नुकसान होता है, राइट। ग्लोबल वार्मिंग का अगर रोल देख लीजिएगा, यस अनडाउटेडली ग्लोबल वार्मिंग की फ्रीक्वेंसीज बढ़ गए हैं, ड्यूरेशंस ऑफ हीट वेव्स वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसी के साथ हम लोग को देखने को मिल रहा है दैट फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंस, अर्बनाइजेशन डिफॉरेस्टेशन के ऊपर डिपेंडेंस जो है, ये सब चीज़ें भी अभी चीज़ें बढ़ रहा है। तो देखो क्योंकि इंडस्ट्रीज अगर बैठेंगी तो वहाँ पर तो डिफॉरेस्टेशन करना ही पड़ेगा, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो अर्बनाइजेशन तो बढ़ेगा ही, और अगर हम लोग की नीड बढ़ेगी तो यस हम लोग का कंजम्पशन भी बढ़ेगा, जिसके कारण फॉसिल फ्यूल का यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा। इसी के कारण तो बोला गया दैट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी बढ़े जा रहा है। अगर इसका इंपैक्ट आसाम में देख लीजिएगा, यस क्लियरली आईएमडी के द्वारा इशू किया गया है हीट वेव का वार्निंग आसाम में भी, और आसाम रिकॉर्ड किया अभी तक का वन ऑफ द हाईएस्ट टेम्परेचर सिंस 1960s, जिसमें नॉर्मल टेम्परेचर से अराउंड 8 डिग्री ज्यादा हमको टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, राइट। नाउ ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यस वी आर अनप्रिपेयर्ड, हम लोग को प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। क्योंकि अगर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देख लीजिएगा आसाम के केस में, यस हमारा जो रीजन है आसाम, ये ऑलमोस्ट एक टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है जो कि काफ़ी ज़्यादा आइडियल है टी कल्टीवेशन के लिए, राइट। बट हाँ ये जो शिफ्ट हमको देखने को मिल रहा है क्लाइमेट पैटर्न्स में, इसके कारण हम लोग को भी अपने आप को अडेप्ट होना पड़ेगा टू द हॉट वेदर। नाउ इससे कैसे कोप कर सके, देखो अभी जो जैसे रिमल साइक्लोन आया है, राइट, तो अनडाउटेडली ये एक कहीं ना कहीं रिलीफ तो पहुंचा रहा है बाय द स्कॉर्चिंग हीट, राइट। बट साथ ही साथ हम लोग को अडेप्ट करना पड़ेगा ऐसे स्ट्रैटेजीज जिससे इससे हम लोग परमानेंटली कुछ छुटकारा पा सके थ्रू आउट नॉर्थ इंडिया, क्योंकि इम्पैक्ट जो है हीट वेव्स का नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा होता है। कंक्लूजन में बोला गया दैट यस प्रोएक्टिव मेजर की तो ज़रूरत है ही, बट साथ ही साथ इसके इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए हम लोग को कुछ कुछ अडेप्टेशन करना पड़ेगा, राइट। दैट इज अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज आर वेरी मच रिक्वायर्ड, जिससे हीट वेव्स का इम्पैक्ट लाइवलीहुड या फिर इकोसिस्टम में कम से कम हो, और कलेक्टिव एफर्ट्स हम लोग को करने पड़ेंगे ग्लोबल नेशनल एज वेल एज लोकल लेवल में, जिससे कॉम्बैट किया जा सके द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट आसाम को चुनूंगा, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर बात की जा रही है अगरवुड के पोटेंशियल को लेकर। नाउ बोला जा रहा है आसाम अगर देख लोगे, यस ऑलमोस्ट यहाँ पे हमको डोमिनेंस देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट के बहुत सारे ऐसे वैरायटीज़ का, और अनडाउटेडली ये भी बोला जाता है दैट आसाम जो है कहीं ना कहीं आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करता है फॉर स्पाइसेस का प्रोडक्शन, मेडिसिनल प्लांट्स फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन। बट अभी भी क्यों ये पोटेंशियल आसाम में अभी भी अनटैप्ड है, चलो देखते हैं। बोला गया अगरवुड, इसका जो डिमांड है ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा हाई है, पर्टिकुलरली मिडल ईस्ट में, जहाँ पर परफ्यूम्स के लिए इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आसाम का जो है फर्स्ट लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग कम रिटेल स्टोर जो था परफ्यूम का, वो एक पॉजिटिव प्रेसिडेंट सेट कर दिया था वेरियस एंटरप्रेन्योर्स इन आसाम के लिए, जिससे क्या एंटरप्रेन्योर्स क्या देखेंगे, अरे भाई पहले अगर कोई कर सकता है तो हम भी क्यों नहीं कर सकते, राइट। और ग्लोबली बोला जा रहा है दैट इसका जो मार्केट है ना अगरवुड्स का, ये अराउंड 2020-34 तक $16.5 बिलियन होने वाला है, राइट। तो अनडाउटेडली इसके ग्रोथ पोटेंशियल तो है, इसीलिए इस आर्टिकल में भी हाईलाइट किया गया है दैट क्या क्या करने से हम लोग अगरवुड प्रोडक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। बट कुछ कुछ चैलेंजेस हैं, उसके सॉल्यूशंस भी बोले गए, जैसे
अभी अगर करंट ऑयल अगर से जो ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट्स देख लीजिएगा वो अभी भी स्मॉल स्केल और अनऑर्गेनाइज्ड है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है ना। इसीलिए बोला जा रहा है दैट कहीं ना कहीं हम लोग को टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, वैल्यू एडिशन एज वेल एज मार्केट लिंकेजेस के बारे में सोचना पड़ेगा। 2020 में जो इंट्रोड्यूस किया गया था एक पॉलिसी जिसका नाम है आसाम अगरवुड प्रोमोशन पॉलिसी, इस पॉलिसी को अगर पलिएगा तो ये कहीं ना कहीं विजिबल इम्पैक्ट जो है इसका नहीं है, राइट। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को गवर्नमेंट का प्रोएक्टिवली सपोर्ट चाहिए जिससे गवर्नमेंट इस पर चीज़ें को खर्चा करे, राइट। मोर ओवर अगर देख लीजिएगा, अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर भी सेटअप किया गया था गोलाघाट में, बट ये जरूर देखने को मिला है दैट यू नो इस इंडस्ट्री के प्रमोशन और कमर्शलाइजेशन में अभी भी यू नो जिस एम से खोला गया था ये अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर दैट हाँ हम लोग अगर वुड इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे कमर्शलाइज करेंगे, है ना, बट वो चीज़ देखा नहीं जा रहा है। इसीलिए बोला जा रहा है दैट कहीं ना कहीं हमको स्पाइसेस इंडस्ट्री के पोटेंशियल को बहुत ही ज़्यादा हार्नेस करने पड़ेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज इंडोर विद डाइवर्स एरोमेटिक प्लांट स्पाइसेस हर्ब्स या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। जब नॉर्थ ईस्ट में ये वरदान मिला हुआ है तो क्यों ना इसके वरदान को एक्चुअली में हम लोग यू नो इनकम में जनरेट करेंगे, राइट। क्योंकि अगर देख लीजिएगा जैसे नॉर्थ ईस्ट की अगर बात कर रहे हैं इन जनरल तो आंध्र प्रदेश का सॉरी अरुणाचल प्रदेश में देख लीजिए लाकडॉन्ग टर्मरिक, सॉरी अरुणाचल प्रदेश का कार्डमम वैसे लाकडॉन्ग टर्मरिक, आसाम का ब्लैक पेपर, चिली पेपर वेराइटीज़, ये अनडाउटली आप देखो इसकी प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो रही है ना। तो क्या इससे जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो क्या उसको कमर्शलाइज नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। हाँ, हमें प्रोडक्शन को और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। नॉर्थ ईस्ट हैज़ कंड्यूसिव एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन, जी हाँ, अगर एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें नॉर्थ ईस्ट हैज़ वेरी कंड्यूसिव एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन। यहाँ पे सॉइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है और हमें क्या ज़रूरत है, हमें इन्हांस करने की ज़रूरत है स्पाइसेस की क्वालिटी को भी, जो क्या ऑफकोर्स कंड्यूसिव है यहाँ पर, राइट। सो गवर्नमेंट इंटरप्रेंशन और एंटरप्रेन्योरशिप अगर देख लीजिएगा इस सेक्टर में, यस, अथॉरिटीज़ ने जो है अर्ज किया है दैट देखो भाई आप लोग हार्नेस करो रीजन के स्पाइस प्रोडक्शन पोटेंशियल को जिससे ओवरऑल ट्रांसफॉर्म किया जा सके नॉर्थ ईस्ट को एज एन स्पाइस कैपिटल, और लार्ज स्केल कमर्शियल प्रोडक्शन को भी इनकरेज करना पड़ेगा जो कि अल्टीमेटली बेनिफिट करेगा फार्मर्स को इकोनॉमिकली। कोलाबोरेटिव एफर्ट्स लगने चाहिए बिटवीन द वेरियस एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज गवर्नमेंट, क्योंकि देखो एंटरप्रेन्योर्स अपने आप से क्या करेंगे जब तक गवर्नमेंट का थोड़ा सपोर्ट ना मिले, राइट। और जहाँ जहाँ भी हम लोग को स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस चाहिए, दूसरे देशों के अगर हेल्प चाहिए भी, यस, हम लोग को उस इंटरवेंशन को करना पड़ेगा और साथ ही साथ एड्रेस करना पड़ेगा वेरियस चैलेंजेस जो कि इस सेक्टर में एग्जिस्ट कर रहे हैं जिससे कि हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ को कैपिटलाइज कर सके जिससे ओवरऑल ये सेक्टर की ग्रोथ हो सके, और हम लोग को इंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को भी अनलॉक करने की ज़रूरत है जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी इन आसाम एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट रीजन, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।